terrorist gangster nexus. NIA raids 53 locations across 6 states, including Punjab and Haryana, detained several suspects. उन्होंने कहा जी इस तो पहला असी 370 थावां ते रेड किए जिदे चो सानू 38 आर्म्स मिलिया लीथल वैपन इन्ने एमनीशन इन्ने फलाना इन्ने 87 बैंक अकाउंट असी फ्रीज करते 13 प्रॉपर्टीज अटैच कर ली हैं 331 डिजिटल डिवाइस फड़ी हैं 418 डॉक्यूमेंट फड़े ने और जेडे नहीं काबू आए उन्होंने असी प्रोक्लेम्ड अफेंडर बनाता है। उन्होंने कहा कि भी ये जरा चल रहा है कि जी असी OCI कार्ड खालिस्तान सपोर्टरां दे कैंसल कर दिते भी जे जिहड़ा दा भारतीय मूल दे लोक ने जे अपने मुल्क नहीं आ सकते तो असी की सुनेहा देना चाहते हैं। ये जड़े सारे ब्रांडिशिंग ऑफ आर्म्स राइट विंग वाले बड़े बड़े हथियार लैके जुलूस कढ़दे ने कि भी देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को उन्होंने उत्ते कोई युआपा या दूजे एक्ट नहीं लगते। इंटरनेशनल लॉ दियां तुसीं धज्जियां उड़ाइयां उड़ाइयां बाहर आके मर्डर करके तुसीं अपने आइन दे थले भी जिहड़ा किसी कोल हक हुंदा है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी दुनिया की जुरिसप्रूडेंस का बेसिक है कि जदों तक कोई गुनाहगार साबित ना होए वो बेगुनाह है। व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स प्रोग्राम में होर अगर अद्दा दे दूसरे अहम इशू नाल इस विच आपां गलबात करन जा रहे हैं कि NIA वालों भारत के 6 सूबियां विच सिखां ते 53 तों ज़्यादा छापे मारे गए हैं और ये सिख कौम नूं ड्रोन ते बेदिल करन लई कीता जा रहा है। इस संबंधी सिख विद्वाना ते बुद्धिजीवियों की एक मीटिंग जलंधर विखे ज्ञानी हरप्रीत सिंह जथेदार दमदमा साहिब की अगवाई विच होई। अफसोस पंजाब की लगभग जिहड़ी समुची लीडरशिप के मूँह नूं ताला लग्या होया। सो इस बारे आप गलबात कर जा रहे हैं। सो असं चाहवे कि तुम इस तरह बने रहना देख सुन लिया लिखने तुरा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद जी। राज साहब की विचार ने देखो वैसे एक पंजाबी का खाण है भी डिगी खोते तो गुस्सा घुमियार से भी अपनिया करतूतों की वजह करके जो तुम वायलेंस बहरले आजाद मुल्क के शहरियों के उत्ते लिया के थोपी परमजीत सिंह पंजवाड़ नूं लाहौर च तुसीं शहीद किया यू गॉट अवे विद इट क्योंकि तुसीं दुनिया दे विच प्रचारिया होया सी कि पाकिस्तान रॉक स्टेट है ये जिहड़ा एपी सेंटर है टैररिज्म का दूजा कला यही नहीं किवें तुसीं पिछले महीनों दे विच 6 दे करीब कश्मीरी एक्टिविस्ट भी वो रावलपिंडी होए इस्लामाबाद होए कराची होए लेटैसट रावलाकोट आजाद कश्मीर की मस्जिद दे विच जिहड़ा जाके उसनू मारिया और तुहानू लगता सी कि भी हुण तुहानू खुली छुट्टी मिली हुई है तुसीं जो मर्जी करो और फिर तुसीं उत्थों जिहड़ा वो इंडियन ओशन क्रॉस करके तुसीं UK पहुँच गए फिर तुसीं अटलांटिक क्रॉस करके तुहानू लगा कि भी हुण असीं नॉर्थ अमरीका साढ़े जिहड़ा है वो टारगेट थले और तुसीं हरदीप सिंह निजर का मर्डर किया 18 जून और बाकियां दे मारन की कनेडा अमरीका तुसीं लिस्टां बना के तैयारियां कीतियां हुई सी तुहाडे नॉन स्टेट एक्टर वो ना भी फ्लैश कर रहे सी लेकिन मैं समझदा भी लकीली जां ये अमरीका दी FBI और इन्हां दी खुफिया तंत्र दी जिहड़ी है मुस्तैदी है कि भी उन्होंने इस वड्डे नूं और ये सानूं अज एक होर सोर्स तो पता लग्या कि एक्चुअली हरदीप सिंह निज्जर दा तां जो होया ही होया ये कोई वड्डी डर्टी गेम इंडिया खेडन जा रहा सी कैनेडा च और अमरीका नूं और उन्होंने कहा भी वो ट्रैजडी एयर इंडिया वांग उस तो भी जिहड़ी है वो माड़ी होनी सी जदों इन्हां नूं उस नूं स्टॉप कीता उहदे च हुण सानूं नहीं पता की है लेकिन जिहड़ा इंडिया दा वाशिंगटन एम्बैसी दे विच रा डेस्क दा हैड है वो भी बाहर कढ़िया होया इन्हां ने 3 महीने तो जिहड़ा नवां आया है उदे अजे तक क्रीडेंशियल मंजूर नहीं कर रहे और जिहड़ा कनेडा दे विच है पवन कुमार राय उन्हों उन्होंने परसोना नॉन ग्रैटा बना के बाहर कढ़ता सो जाहिर है भी कोआर्डीनेट तो दोवें कर रहे सी और जदों ये बार बार कहा जा रहा जिवें अज जगमीत सिंह होरां ने भी कहा कि भी जिहड़ी इंटैलीजेंस है वो ह्यूमन भी है सिग्नल भी है और उहदे विच डिप्लोमैट भी आपस दे विच कम्युनिकेट कर रहे हैं ये सिर्फ उन्हां दे इंटैलीजेंस ऑपर और जिवें कल वाशिंगटन पोस्ट की स्टोरी ने और जिहड़ी किन्ने 90 सैकेंड की वीडियो गुरुद्वारा साहब के कैमरे तो सामने आई
कि किस लैवल का ऑपरेशन है, दो वैनस, छे किलर, 50 तो ज्यादा गोलियां और जिस किस्म दी, ये तो ईवन छोटे गैंगस्टर लैवल दी भी प्लानिंग नहीं है, इस किस्म का नैटवर्क इन्हों का ही हो सकता है। सो इस सब दे चलदे हुण जाहिर है कि भी जिन्हों कहंदे ने कि भी वो रंगे हत्थी फड़े गए ने हुण उन्हां नूं ये लगता, और एक पासे तो जिहड़ा वो G20 ते विश्व गुरु धड़म करके जिहड़ा थले डिगदा है, और मोदी तो ईवन इन्ना हौसला भी नहीं कर सकिया ज कि भी इत्थे आ के UN जनरल असैम्बली नूं एड्रेस करे, जिहड़े मोदी नूं जे कोई कहे जी गुसलखाने का उद्घाटन करना है तो उत्थे भी सारे कैमरे ला के पहुँच जाता है कि मोदी जी गुसलखाने का उद्घाटन करते हुए उत्थे मंदिर च जोशी मठ के कित्थे गया कि जी मोदी जी समाधि की अवस्था में अंदर कैमरे आ गए, भी कादी समाधि कैमरिया दे नाल। सो वो UN च क्योंकि एकदम जिन्हों कहते हैं भी जिलच होने वाली गल हुई, हूँ एक पासे तो उन्होंने नॉन स्टेट एक्टर बह के सिखा के खिलाफ उन्होंने डिसइनफॉर्मेशन कैंपेन सारे मीडिया यूट्यूबर दूजे तीजे जड़े ने इस काम से लाया हुए ने, दूजा मीडिया भी जड़ा कि नैगेटिविटी खालिस्तानी और उस सिखा कह रहे ने जी उन्होंने शो गर्ल है उदली की मैं लफज कह मैं औरत जात बारे को माड़ी गल नहीं कहना चाहता होना हों कंगना रनौत वो कह रही है सिख साबित करन कि भी वो अखंड भारत यकीन रखते हैं वो खालिस्तानी नहीं ने वो तुहानूं और यही गल जो कायदे आजम ने ये गल कही सी अपने भारत जिहड़े मुसलमान रह गए जिहड़े सैकंड क्लास सिटीजन बने ने कि भी तुहानूं हर गली दे मोड़ ते प्रूव करना पएगा कि तुसीं पैट्रियॉट हो और तुसीं कर नहीं सकोगे, हमेशा ही तुसीं जिहड़ा वो वल्नरेबल रहोगे। और सिखां दा भी हाल तो यही सी जिहनूं सर शोभा सिंह नूं कायदे आजम ने कहा सी कि भी यू हैव सीन हिंदूज एज द को स्लेव्स बट वैन यू विल सी दम एज द रूलर्स यू विल सी देयर ट्रू फेस वैन दे विल बी द मास्टर्स एंड सिक्स विल बी द स्लेव्स। हूँ 75 साल बाद भी जे किसी के खोपड़े च कोई गल ना पे तो फिर उन्होंने जो रजिस्टर्ड बेईमान कहोगे जां दिमागों पैदल कहोगे, यही लफज ने साडे पंजाबी च, होर तो फिर की कहा जा सकता। हूँ इन हालातों के पूरा वो एक बदला भावना के थले भी ने सिखां बिल्कुल उस लैवल दे उत्ते ले जा के, और जिवें कुछ चिंतकां दा ख्याल है कि बाकी मुद्दियां तो बिल्कुल क्योंकि इन्हां दा थला लगा होया है, और इस वेले जिहड़ियां 4-5 स्टेटां दे विच चोणां भी होणियां ने, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, शायद उधर मेघालय की कड़ी स्टेट है, मिजोरम भी, उत्थे इन्हां दा कोई चांस नहीं है। और इस सारे दे चलदे आ उन्होंने ये सिख फैक्टर नू नफरत नू अगे तक लजाना चाहणगे, क्योंकि तुसी देखो भी बजाय इस दे कि वो हुण पोलीटिकली तो बैकफुट ते आ गए, जिवें असी पिछले सैगमेंट च गल कीती है कि जी वो रुचिका कंबोज भी जिहड़ी है वो कह रही है जी थैंक यू और गलबात करी, और एस जयशंकर भी कह रहे दूजा, लेकिन विद इन कंट्री जिस किस्म दा उन्होंने माहौल सिरजिया होया है NIA और ये पंजाब का गूंगा भंड जड़ा वो बिल्कुल तुसी पंजाब च रोल रहे हैं, और कला ये नहीं इस वेले 6 स्टेटां दे विच NIA दे रेड्स दियां खबरां जड़ा इन्हां दा मीडिया दे रहा, ये हालां चुप भी रह सकते हैं पर वो सिखां नूं मैसेज भी दे रहे हैं कि भी असीं तुहानूं रहण नहीं देना है, तुहानूं आराम नाल असीं बहण नहीं देना है। और इन्हां दी मेन जिहड़ी है PTI और ट्रिब्यून न्यूज सर्विस की खबर है टेररिस्ट गैंगस्टर नैक्सस NIA रेड्स 53 लोकेशंस अक्रॉस 6 स्टेट्स इंक्लूडिंग पंजाब एंड हरियाणा डिटेन सैवरल सस्पेक्ट। सैवरल जो होंगे वो हंडर्ड्स के हो सकते हैं कि भी असी 53 लोकेशन के उत्ते 6 सूबों के जिन्हें पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, UP है, राजस्थान है, उत्तराखंड है, तो यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़। उन्होंने कहा जी असी रेड किया और ये जड़ा असी 7वां साडा रेड है अगस्त 2022 तो लैके, और ये सारे दे विच असी इना फोकस दा जड़ा टैरर गैंगस्टर फलाना टिमका समगलर नैक्सस, और पंजाब दे विच जड़े उन्होंने जिहड़ियां कुछ लोकेशंस रेड कीते ने उन्होंने अमृतसर, मोगा, फाजिलका, लुधियाणा, मोहाली, फरीदकोट, बरनाला, बठिंडा, फिरोजपुर, SAS नगर, अमृतसर, जलंधर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, रोहतक, सिरसा, फतेहाबाद, फरीदाबाद, जिस जिते जिकने बैठे हरियाणे, और गंगानगर,
झुंझुनू हनुमानगढ़ एंड जोधपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान सारे सिख पॉपुलेशन इलाके गोरखपुर इन उत्तर प्रदेश जिथे का ये गुंडा योगी आदित्यनाथ और देहरादून एंड ऊधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड उत्थे भी ऊधम सिंह नगर च जमीन भी सिखा दया ने पॉपुलेशन भी सिखा दी है और बिसाइड्स साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ डेली एन सी आर एंड चंडीगढ़ हूँ सिख स्पैसीफिक ये रेड ने सिख घर चो समान भी चुक के ले जाते हो बीबिया नाल भी बदसलूकी करते हो झूठे केस भी पाउणगे और उन्होंने कहा जी इस तो पहला असी 370 थावां ते रेड किते जिदे चो सानू 38 आर्म्स मिलियां लीथल वैपन इन्ने एमनीशन इन्ने फलाना इन्ने 87 बैंक अकाउंट असी फ्रीज करते 13 प्रॉपर्टीज अटैच कर लईआं 331 डिजिटल डिवाइस फड़ियाँ 418 डॉक्यूमेंट फड़े ने और जिहड़े नहीं काबू आए उन्होंने असी प्रोक्लेम डिफेंडर बनाता है। सो ये पंजाब दे विच चल रहा है। हुण देखण वाली गल है भी पंजाब की लीडरशिप बिल्कुल क्वाइट अकाली कि भाई तुहाडियां प्रॉपर्टियां अटैक दूजे तीजे और मैं कमेंट करना चाहुंदा ज्ञानी हरप्रीत सिंह दमदमा साहब दे जथेदार नूं कि उन्होंने गुरद्वारा गुरु तेग बहादुर साहब जलंधर दे विच एक इकट्ठ सद्या सी कि भाई ये की चल रहा है उहदे च जिहड़े सिख इंटेलैक्चुअल गुरद्वारा गुरु तेग बहादुर नगर है और उहदे च उन्होंने जिहड़े गुरतेज सिंह साबका IAS हरसिमरन सिंह ये राइटर भी ने और आइडियालॉग ने उन्होंने भी शमूलियत की और उन्होंने कहा कि भी ये जड़ा चल रहा है कि जी असी OCI कार्ड खालिस्तान सपोर्टर के कैंसल कर दते भी जे जड़ा दा भारतीय मूल दे लोग ने जे अपने मुल्क नहीं आ सकते तो असी की सुनेहा देना चाहते हैं। फिर उन्होंने कहा जी भी दूजे पास ये जड़े सारे ही ब्रांडिशिंग ऑफ आर्म्स राइट विंग वाले बड़े बड़े हथियार लैके जुलूस कढ़दे ने कि भी देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को उन्होंने उत्ते कोई युवापा ज दूजे एक्ट नहीं लगते नाल दी नाल उन्होंने कहा कंगना रलौत वर्गी जिहड़ी है अखंड भारत दूजी सिखां नूं ये कह रही है भी तुसीं प्रूव करो इस सारे नूं और ईवन जिहड़े MPs और दूसरे ने उन्हां दा भी उन्होंने मैनशन किया कि भी उन्होंने इस आवाज़ नूं चुक्या UK दे विच कैनेडा दे विच दूसरे दे विच और ये सारा पार्ट जिहड़ा है चलो एक नोबल जेस्चर है कि उन्होंने घट्टो घट इस गल दे उत्ते हलूणा दिता है पर इस किस्म का तो अंग्रेजी राज वेले भी नहीं होया उदों भी अदालत दे विच केस जांदा सी जे कोई साबित होया कि भाई किसी ने कोई गुनाह किया तो वह बंदा भगौड़ा है उदों उहदी जायदाद कन्फिसकेट करन दा हुंदा सी बहुत घट कीतियां गईयां और हुंदा इह सी कि जे कोई गए भी तो लोग पिंड दे कट्ठे हो के जां दूजे वट्टे मार के भजा देंदे सी लेकिन अज इन्ना खौफ पैदा होया है कि जिन्हें कि भी जिहड़े इत्थे एक्टिव ने उन्हां दे रिश्तेदार ही जिहड़े ने उह कहणगे कि जी देखो 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 ये ना होए सानू इवें हो जाए उवें हो जाए हुण इह इक फीयर इही मकसद है उन्हां दा भी इक फीयर पैदा करना दूसरा भी तुसीं तां सारे इंटरनेशनल लॉ दीआं तां तुसीं धज्जियां उड़ाईआं उड़ाईआं बाहर आ के मर्डर करके ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਇਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨੋਸੈਂਟ ਅੰਟਿਲ ਪ੍ਰੂਵਨ ਗਿਲਟੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜੁਰਿਸਪਰੂਡੈਂਸ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਏ ਉਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲੋਟ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਰਾਮੇ ਜਿਹੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਦੋ ਚਾਰ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਢਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਉੱਠਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੀ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਵਰਸਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਹ ਦੋ ਅੱਡ ਅੱਡ ਖੈਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੱਥ ਲੈਣ ਬ੍ਰੇਕ ਫਿਊਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।